हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अखिल और मेरे चैनल का नाम है स्मार्टफोन टेक। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, ये आपको पता चल गया होगा, आपके फ़ोन में भी मतलब मी ए वन का एंड्रॉयड 9 का पाई अपडेट आ गया होगा। लेकिन किसी किसी को डर है, जो भी मैटर चल रहा है कि मतलब आप डाउनग्रेड नहीं कर सकते, रिवर्ट नहीं कर सकते किसी भी कस्टम रोम पे या ओरियो पे, क्योंकि आजकल MIUI 10 भी आ चुकी है मी ए वन के लिए, तो ओरियो में वो आ चुका है, तो वो भी अच्छा है। तो जिसने फ्रेंड सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर दे, और जिसने वीडियो भी लाइक नहीं करी तो फ्रेंड्स वो लाइक भी कर दे। और फ्रेंड जो दूसरी बात है कि अपडेट आ चुका है, अपडेट करो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जो न्यू फीचर्स इंक्लूड है, FM रेडियो है, क्योंकि आजकल की Xiaomi के फ़ोन में FM रेडियो कम है, और भी मतलब वीवो ओप्पो अभी अपडेट के द्वारा दे रहे हैं अडेप्टिव बैटरी ब्राइटनेस, सिंपलर वेज टू नेविगेट योर फोन, रिकमेंडेड एप्स एंड एक्शन बेस्ड ऑन योर कॉन्टेक्स्ट, जो भी हो। तो बहुत आपको पता ही है, कस्टमर रोम साइज है, तो उसके बेसिस पे ये पाए अपडेट है, ऑफिशियल है। और दूसरी बात ये कि फ्रेंड्स करो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको इन्फॉर्म करने के लिए बताया था कि अपडेट आ गया है, ऐसा मतलब अगर आपको पीछे रिवर्ट करना है डाउनग्रेड तो उसकी वीडियो आ जाएगी। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करना है वो सब्सक्राइब भी कर ले और लाइक भी दबा दे। और प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब करो यार, दबा दो बेल आइकन को। और बस ऐसा कुछ नहीं है, 1 GB का अपडेट है, करो अपडेट, सही रहेगा। और बहुत अच्छी न्यूज़ है मी ए वन यूजर्स के लिए, दिसंबर अपडेट का है जो अपडेट आया था, सिक्योरिटी पैच एक तरह से पाए का अपडेट आया है जो, और रिवर्ट कर सकते हो, डाउनग्रेड कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और इसका रिव्यू भी आपको दूंगा, बैटरी बैकअप कैसा है, क्योंकि MIUI 10 से मैं इधर आया हूँ, अब मुझे दोबारा MIUI 10 पर जाना है। सबसे पहले रिवर्ट की वीडियो बनाऊंगा डाउनग्रेड की, ओरियो ओरियो से फिर MIUI 10, तो वो सारा अभी इधर होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ओरियो अपडेट आया है, अच्छे फीचर्स है। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि MIUI 10 से तो अच्छा है, बैटरी बैकअप भी सही है इस रोम का, लेकिन जो आपको कस्टमाइजेशन के लिए चाहिए तो वो MIUI 10 उधर फिर बेस्ट है। उस परसेंटेज में MIUI 10 बेस्ट है, बैटरी में ये बेस्ट है। तो फ्रेंड्स जो भी है, ठीक है फ्रेंड्स, बाय। और बस इसको अपडेट करूँ, डाउनग्रेड की वीडियो कल आएगी, क्योंकि अब तो टाइम हो चुका है, बहुत टाइम मुझे लगा पूरा अपना रिसोर्स कलेक्ट करने में, और बहुत मेहनत करी इस वीडियो के लिए जो भी आएगी डाउनग्रेड की। तो बस उस पर भी लाइक और सब्सक्राइब करना, और इस पर भी करो प्लीज़, स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, लाइक कर दो, क्योंकि डाउनग्रेड की वीडियो सुबह तक आ जाएगी, 10, 11, 12 बजे तक आपको वीडियो मिल जाएगी। तो पाई का अपडेट आ चुका है, करो। ये कोई नीदरलैंड का अपडेट नहीं, क्योंकि जो शॉमी जो के हिसाब से जो मी ए वन में है यूज़र्स, इंडिया में मी ए वन के यूज़र्स बहुत हैं, तो ये इंडिया वाला अपडेट है, नीदरलैंड का नहीं है। और भी कोई जो कोई VPN से नहीं करा है, और ये अपना मी ए वन ही है। तो कि आप सोच रहे हो कि मैंने नीदरलैंड से जो भी है, लेकिन वो अपडेट नहीं है, ये सीधा इंडिया के आया, जो शाओमी का सर्वर है उधर से रिलीज़ करा है इंडिया में। और कोई क्योंकि उधर कम है, नीदरलैंड अलग अलग जगह हो गए, वहाँ पे मी ए वन के जो यूज़र्स है वो कम है, ज़्यादा इंडिया में है, तो ये इंडिया का अपडेट है। तो इसको करो, डाउनग्रेड की वीडियो आ जाएगी, आपको मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, बाय। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बहुत अच्छी न्यूज़ है मी ए वन यूजर्स के लिए कि करो अपडेट करो, क्योंकि फीचर्स अच्छे ही इसके लिए मैं आपको कह रहे हैं। तो मैं आपको रिकमेंड ये करूँ कि MIUI 10 में जाओ, उधर फिर कैमरा बग आ जाता है, बैटरी अच्छी नहीं है। हाँ, कस्टमाइजेशन मिले वो फिर इसको पीछे छोड़ देता है, और बैटरी बैकअप और चीज़ों के लिए ये MIUI 10 को पीछे छोड़ देता है। तो जो भी है, ठीक है फ्रेंड्स, बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।